सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ से 4 जनवरी की शाम बनारस पहुंचे और 4 जनवरी की रात को निकले निरीक्षण करने। सीएम योगी ने रैन बसेरों में जाकर लोगों से मुलाकात की और साथ ही वाराणसी में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सीएम का 5 जनवरी को वाराणसी में रुकने का प्लान है, जहां वो वरुणा कॉरिडोर, अंध्रा पुल फ्लाईओवर, मडवाड़ी आरओबी, ऊर्जा गंगा, आईपीडीएस योजना, रिंग रोड परियोजनाओं के काम की प्रगति को देखेंगे। सीएम को सबसे ज्यादा शिकायतें सड़कों को लेकर मिली हैं। काशी हमारे लिए एक पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण है। काशी का समग्र विकास हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह लगातार इस प्रकार का प्रयास रहा है। काशी के विकास में जो तत्व बाधक थे, जनता ने उन्हें जवाब दिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई है और पिछले 9 महीनों के दौरान न केवल पूरे प्रदेश में अपितु काशी में भी विकास एक रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। काशी के इन विकास के कार्यों को समय समय पर हम लोग समीक्षा कर सकें, देख सकें और काशी के अनुरूप काशी का विकास हो सके, ये हम लोगों की प्राथमिकता है और इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध भी हैं। चूंकि दिन में काफी बड़ी संख्या में काशीवासियों के साथ साथ और दुनिया से बड़ी संख्या में नागरिक आते हैं, श्रद्धालुजन आते हैं, उन्हें कोई समस्या न हो, इसलिए हम लोगों ने रात्रि में ही ये सब कार्यों को निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। एक तरफ विकास की योजनाओं का निरीक्षण यहाँ पर आज किया गया है, कल इसकी पूरी समीक्षा हम लोग करेंगे भी पूर्वाहन में, इन सब पर बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे। सीएम शुक्रवार को वाराणसी आ रहे कनाडा के 10 सदस्यीय संसदीय दल से भी मिलेंगे और काशी विश्वनाथ के साथ ही काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ के रैन बसेरों का निरीक्षण किया था और कुछ कमियां पाए जाने की बात पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, वाराणसी।